शाहजहाँपुर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्र ने कहा कि ग्राम प्रधान संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य प्रधानों, ग्राम पंचायतों और आम जनमानस के हितों और सम्मान की रक्षा करना है। हमारे संगठन का मकसद ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास में योगदान करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रधान का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। यदि प्रधानों की कोई समस्या आती है तो उसके संबंध में प्रभारी मंत्री मुख्य सचिव से वार्ता की जाएगी, समस्या का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने प्रधानों की एकजुटता पर विशेष जोर दिया। साथ ही अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा ने बताया कि 28 अक्टूबर को लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के ग्राम प्रधान शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रैली का मकसद ग्राम प्रधानों के संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया गया है। और यह संवैधानिक अधिकार हमें दीजिए, हमें वास्तविक सरकार का दर्जा जो देश के संविधान ने दिया 1993 में, वो हमें दीजिए। देखिए अध्यापक, हम शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं और अध्यापक अगर सही काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार हमको नहीं है। लेकिन पंचायत राज एक्ट कह रहा है कि प्रधान उसके अध्यापक की चरित्र पंजिका हम लिखेंगे। आशा काम नहीं करती है, हम कुछ नहीं कर पाते जबकि संविधान में हमें अधिकार है, तो हम वही अधिकार मांग रहे हैं कि जो हमें देश के संविधान ने दिया। देखिए हम तो गांधीवादी तरीके से हमेशा लड़ते रहे और गांधीवादी तरीके से ही 28 को रैली कर रहे हैं। नहीं मानी तो उसके बाद भी गांधीवादी तरीके से, क्योंकि हम गांव की सरकार हैं और सरकार एक सरकार से टकराती नहीं। एक सरकार जो है अपने संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार मांगती है। और हम तो देखिए, हमारे तो इस संगठन में सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, यहाँ तो एक पार्टी का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो हम लड़ नहीं सकते। हम तो निवेदन करेंगे। और देखिए 2016 में अखिलेश जी से निवेदन किया था कि 16 मेरा ठीक कर दो, 17 तुम्हारा ठीक कर देंगे। हमारा 16 ठीक नहीं हुआ, उनका 17 ठीक नहीं हुआ। चेतावनी नहीं दे रहे, चेतावनी नहीं है लेकिन इतिहास बता रहे हैं, चेतावनी नहीं है।